नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी से। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्रियों से लगातार होने वाले हादसों को लेकर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन अभी तक सबक नहीं ले पाया है, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं सामने होती हैं। इसी बीच यूपी के मेरठ में लोहिया नगर में स्थित एक मकान में मंगलवार की सुबह अचानक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि लोहिया नगर स्थित इस मकान में काफ़ी समय से एक पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें सुबह सुबह हुए जोरदार विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया है। आपको बता दें कि धमाका इतना तेज था कि जिस मकान में पटाखे बन रहे थे उसके साथ आसपास बने 2-3 मकान और अन्य मकान देखते ही देखते धराशायी हो गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ जिले में हुए इस हादसे पर संज्ञान लिया। सीएम योगी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। लोगों ने बताया कि इस विस्फोट ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। देखते ही देखते हादसे वाले क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि इस भयानक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भेज दिया है। इसके साथ ही इस विस्फोटक के चलते कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट इतना बड़ा था कि 33 केवी की लाइन के पोल भी टूट गए हैं। इस दौरान सड़क से निकल रहे कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में हुए धमाके ने करीब 3-4 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले मकानों को हिलाकर रख दिया है। जानकारी के अनुसार मकान धराशायी हुए हैं। वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। सीएम ने हादसे में मरने वालों के लिए शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं और जांच के आदेश दिए हैं। तब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज यूपी से आ रही है।